चंपावत से खबर है जहां कपड़े की दुकान में भीषण आग लग गई। आग लगने से इलाके में हड़कंप मच गया। दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। आग लगने से दुकान में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। चंपावत के लोहा घाट इलाके का यह मामला है। चंपावत की ये तस्वीरें हैं जहां आग लगने से इलाके में हड़कंप मच गया। दमकल विभाग की टीम वहां पहुंची और आग पर काबू पाने की कोशिश में लग गई। आग लगने से दुकान में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया है। कानपुर की ये तस्वीरें हैं, आग लगने से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। दमकल विभाग की टीम प्रशासन वहां पर पहुंची हुई है। चंपावत की ये तस्वीरें हैं, कपड़े की दुकान में आग लगी जिसके बाद दुकान में रखा सारा सामान जलकर खाक। कानपुर में मोटर सेल्स कॉर्पोरेशन के गोदाम में आग लग गई और आग लगने से अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया और सीसा माउंट थाना क्षेत्र का यह मामला है। कानपुर की तस्वीरें हैं जहां मोटर सेल्स कंपनी में आग लग गई और आग लगने से आसपास के रिहायशी इलाकों में भी हड़कंप मचा हुआ है। साथ ही साथ दमकल विभाग की टीम वहां पहुंची हुई है। सीसा माउंट थाना क्षेत्र का यह मामला है, मोटर सेल्स की कंपनी में आग लग गई, अफरा तफरी का माहौल देखने को मिल रहा है। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि दमकल विभाग की टीम वहां पर पहुंची हुई है और आग पर काबू पाने की जद्दोजहद में लगी हुई है। काशीपुर से खबर है जहां काशीपुर के मिसरावाला गांव में भारी बारिश के चलते देर रात्रि घटा बड़ा हादसा। एक ही स्थान पर मकान के लेंटर गिरने से दंपत्ति की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं घटना में 18 वर्षीय बालिका हुई गंभीर रूप से घायल। घटना में 3 मकान पूरी तरह से ढह गई जबकि 2 अन्य मकान भी क्षतिग्रस्त हुई है। देर रात्रि प्रशासन की ओर से तहसीलदार यूसुफ अली मौके पर पहुंचकर घटना का जायजा ले रहे हैं। तो एक बड़ा हादसा घटा है जहां पर मकान के लेंटर गिरने से दंपत्ति की दर्दनाक मौत हो गई है। घटना में 3 मकान ढहे हैं जबकि 2 अन्य मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं। यूपी के मुरादाबाद में लगातार हो रही बारिश से नदियां उफान पर हैं और बाढ़ का पानी खेतों में घुस रहा है। बारिश का बाढ़ के पानी से खेतों में खड़ी सब्जियों की फसलें बर्बाद हो रही हैं, जिससे किसान परेशान है। किसानों का कहना है कि पहाड़ों पर हो रही भारी बारिश का पानी नदियों के जरिए उनके खेतों में घुस आया है और लगातार बारिश से सब्जी की फसलें बर्बाद हो गई हैं। टमाटर की फसल के बाद अब मिर्च, लौकी, तुरई, बैंगन, भिंडी और लोबिया की फसलें पानी में डूब जाने से गल रही हैं और बड़ा नुकसान हो रहा है। आइए देखते हैं मुरादाबाद से सब्जी के खेतों में आए बाढ़ के पानी में खड़े किसानों के बीच से हमारे संवाददाता उबैरुद्दीन की रिपोर्ट। ये बताइए, नदी का पानी जो है सड़कों पर आ गया, आप लोगों को जाने में कितनी परेशानी हो रही है? परेशानी हो रही है, नदी पड़ रही है रोड पे। कैसे पार किया पानी आपने? दल्लप से। तो बारिश हो रही है, बाढ़ का पानी गांव के चारों तरफ आ गया है, कहाँ जा रही हैं आप? हजूर की सारा। क्यों? हमारी नन की तबीयत खराब है। अच्छा, क्योंकि अपने किसी रिश्तेदार को देखने के लिए जा रहे हैं और मोटरसाइकिल जो है इन्होंने बैलगाड़ी पर लाद करके पार की, उसके बाद ये लोग आगे का सफर तय करेंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ जो ये बैलगाड़ियाँ हैं बस यही सहारा है लोगों के यहाँ आने जाने का, क्योंकि बाढ़ का पानी जो है वो सड़क पर आ गया है और गांव का जो संपर्क मार्ग है वो टूट चुका है। उबैरुद्दीन रहमान, एक न्यूज नेटवर्क, मुरादाबाद। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।